मेरा नाम ज्ञानचंद है। फांट फार्म से 15 दिन हो गए, पानी सिम का टूटा हुआ है और बरसात का भी डंड फुल हो गई है। घर को पानी हो गया है, घर फुल हो गया है। घर ये थोड़ा 7 किलोमीटर है, यहाँ पर पानी नहीं आएगा, उधर घर में पानी चल जतरा बैठा है। के लिए 20 घर को 2 टेंट दे गए हैं, राशन नहीं मिले हैं, राशन एक को नहीं मिले हैं। गुजारा अभी तो इधर मजदूरी भी नहीं है जो गुजारा करे। हमारे सारा बूट गया है, अभी तो मजदूरी का भी नहीं है, मिर्ची है, फुट्टी है, सारा खत्म हो गया, बूट गई है। जो सिंध की शराब की जो सूरत हाल है, ये इसमें हमारी जो बेड गवर्नेंस और लैक ऑफ कारकर्दगी जो है, उस हिसाब से अगर वो प्रॉपर तरीके से सिंध के जो एरियाज मुख्तलिफ पुराने सर्दियों से जो बने हुए थे, जहाँ से जब सैलाब आते थे और उस ज़माने में वो निकाल जो पानी का निकासी यहाँ का जो सिलसिला था, वो पुराने जो उन पर असर रसूख वाले लोगों ने अपने कब्जे कर दिए या अपने मनपसंद लोगों की वो ज़मीनें अलाट कर दी हैं, तो वो पुराने जो भी निकासी के रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। अगर वो सही तरीके से वहाँ से खुल जाए, मेरे ख्याल पूरी सिंध में 5-6 जगहों में से हो गए, वो पूरे निकासी के जो रास्ते खोल दिए जाए और वो उसको समंदर में उनको पहुँचा दे बदीन से आगे जाके, तो ये पूरे सिंध के जो करोड़ों अरबों रुपए के जो नुकसान हो रहे हैं, फसलों के, लोगों के, मवेशियों के, हर चीज़ के नुकसान हो रहे हैं, डिस्प्लेस लोग हो रहे हैं, इवन गवर्नमेंट के बहुत सारी फंडिंग देनी पड़ती है फिर उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, तो अरबों रुपए की जो खामखा खर्चा होता है उससे भी बचत हो जाएगी, लोगों की परेशानी से भी बचत हो जाएगी, बल्कि फसलें वगैरह बच जाएंगी, उससे और ज़्यादा आमदनी भी बढ़ सकती है। तो ये प्रॉपर जो पुराने तरीके जो रास्ते थे उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए।